हाय, आज आपने थंबनेल पे जैसा देखा है, सबका ये सवाल रहता है मेरे पास। और मैक्सिमम लोग जब मेरे से बात करते हैं कंसल्टेंसी में, तो वो ये बोलते हैं कि सर हम स्टार्ट तो कर लें, बट हमें ये पहले ही बताइए कि सर इसको छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बातें चल रही है कि इसके छोड़ने के बाद वजन बढ़ जाता है या फिर आपका जो वेट है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वन वन करके जवाब दूँ, इससे एक अच्छा वीडियो बना लूँ जिससे कि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है। तो देखिए, नॉर्मल जो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है जो हम इंडियंस हैं, हमारा जो हम भारतीय है ना, तो भारतीय क्या सोचता है पता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका एंड जरूर सोचता है। वो सोचता है कि यार मैं इसको स्टार्ट तो कर लूँ लेकिन इसका एंड कब है, कि ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि बहुत और लोग ये भी बोलते हैं कि सर इसको क्या लाइफ टाइम लेना पड़ेगा क्या। तो ये सब सवाल कब आते हैं, ये सवाल जब आते हैं जब हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम में आपको ये जो भी आपके डाउट्स होते हैं इसको क्लियर कराऊंगा। और इस वीडियो को आप एंड में देखेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको एंड तक देखना है इस वीडियो को। यस, हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हम बात करें कि भाई ये सवाल आता क्यों है। सबसे पहले सवाल इसलिए आता है क्योंकि हमें हमारा वेट लॉस स्टार्ट करना होता है। अब हम चाहते भी हैं हमारा वेट लॉस करना, हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट भी करना है, बट वही दिक्कत वही है कि सर इसको कब तक करें। क्या कोई ऐसा तो बता दे कि हाँ, जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं और हमें ये बोला जाए कि भाई हाँ आपकी 3 साल का ये डिग्री मिल जाएगी, 3 साल, तो हमें पता रहता है कि हाँ मुझे 3 साल देने हैं, अच्छे 3 साल मेहनत करनी है। बट उसके बाद भी फिर जो हमारे पास ऐसे सिर्फ ये बोल दे कि नहीं आपको पढ़ाई करनी है, आपको जब डिग्री मिलनी तब मिल जाएगी, तो फिर हमारा वो मन नहीं करता। तो वैसा ही वेट लॉस के अंदर भी है, हमें हर्बल लाइफ स्टार्ट करना होता है लेकिन क्या दिक्कत आती है, हमें उसका एंड पता नहीं है। एंड नहीं पता है तो इससे क्या होता है कि 50% लोग जो हैं, सपोज आप वीडियो में आप भी ऐसे इंसान होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे मुझे स्टार्ट करना है लेकिन एंड नहीं पता है, तो आप क्या कर रहे हैं, चलो यार रहने देते हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, दूसरी और कोई चीजें ट्राई कर लेते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहां पर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है जिससे कि ये सवाल एकदम जीरो हो जाएंगे और आपका माइंड बहुत क्लियर हो। सबसे पहला सवाल, हम हर्बल लाइफ आप बिल्कुल आप एक अच्छे वेलनेस कोच के अंडर, एक अच्छे गाइडेंस के अंदर, अच्छे डाइट के अंदर आप अपना वेट लॉस स्टार्ट कर सकते हैं हर्बल लाइफ के साथ। एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, सबसे पहला एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। ये मत सोचिए कि 2 महीना 3 महीना, एक जो सपोज आपका आइडियल वेट है उसके ऊपर आना है, क्योंकि जब तक हम आइडियल वेट पे नहीं आते ना तो हमारा बॉडी वैसा अपने वजन को रोक के नहीं रखना। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट क्या है कि भाई वेट लॉस स्टार्ट करना है लेकिन आइडियल वेट के लिए करना है, नहीं कि यार 2 महीने के बाद मेरी शादी है तो मैं 10 किलो कम हो जाऊँ, नहीं। इसलिए हर्बल लाइफ नहीं, हर्बल लाइफ आपको एक लाइफस्टाइल देता है, एक माइंडसेट देता है, एक आपको एक जीने का तरीका बताता है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म लेना है, आइडियल वेट का ध्यान रखना है। अब आइडियल वेट को ध्यान में रखते हैं तो अब क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला कि आप जो भी खाना खा रहे हैं ना, आप अपने उस खाने को पहचाने। खाने को पहचाने का मतलब क्या है, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपके प्लेट में आ रहा है, ज्यादा फ्रूट खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं या फिर जो भी कुछ भी आप खा रहे हैं, उसको आपको जानना है। जानने में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, आपको उसकी कैलरी कितनी है उसका हमेशा ध्यान रखना है। जो हमें हमारे खाने की कैलरी जो पता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो आप सोचते हैं ना कि फ्यूचर में इसको लंबे टर्म लेना या नहीं लेना, तो ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले रूल्स बनाइए कि भाई मुझे मेरी कैलरी का ध्यान रखना है, कितनी कैलरी मैं किस जो जो चीज में खा रहा हूं या खा रही हूं उसकी कैलरी कितनी है, सबसे पहला। सेकंड जो चीज है वो है आपको, देखिए हर्बल लाइफ बेस्ट फूड है, मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई आप कुछ और खाने की जगह इसको खा सकते हैं। बट अबे आपको देखना क्या है, जैसे हर्बल अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई पहले जो मैं खाना खा रहा था उसकी रिप्लेसमेंट में शेक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा ना, तो इस मील रिप्लेसमेंट का क्या कोई अल्टरनेटिव है क्या। तो आपको ये जो समझ में आ जाएगा, शायद समझने में आपको अभी भी उलझन होगी, लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपको मिल रिप्लेसमेंट, जैसा आपने मिल का रिप्लेसमेंट शेक करा है वैसे ही आपका रिजल्ट बनने के बाद इसका रिप्लेसमेंट आपको मिल को करना है। और मिल कौन सा करना है, जिसके अंदर आपको ये पता हो कि इसके अंदर कार्ब्स कितना है, इसके अंदर फैट कितना है और इसके अंदर प्रोटीन कितना है। क्योंकि ये जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, आप ये देख पा रहे हैं जो भी ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर कार्ब्स मिनरल्स ये सब का एक बैलेंस है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही बैलेंस का खाना आफ्टर आपका वेट लॉस आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, तभी आप अब क्या कर पाएंगे कि अपनी जो बोलते हैं ना कि हर्बल लाइफ का जो प्रोसेस है आपका वेट लॉस का, उसके बाद बिना टेंशन से आप अपनी जो फिटनेस जो वेट लॉस किया होगा ना उसको टिकाए भी रखेंगे। तो ये सबसे पहला आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का जैसे आपने स्टार्ट किया है फूड का रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट किया है, तो आपको आफ्टर वेट लॉस आपको फूड का जो आपका न्यूट्रिशन का रिप्लेसमेंट है वो उसको आपको वापस नॉर्मल उसमें लाना है। और 3 चीज़ों का मैंने जैसे बोला है, कार्ब्स प्रोटीन और आपका फैट, इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लास्ट एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ और समझनी है,
पांच मिल ऐसा ना, एक आप जब भी डाइट कर रहे हैं ना, मेरा जैसे पर्सनली ये रहता है जब मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ लोगों को वेट लॉस के लिए मैं गाइड करता हूं, तो मैं सबसे पहले एक चीज रखता हूं कि भाई लोगों को पांच मिल का डाइट प्लान में हमें डालना है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट है कि आपको हर बार बहुत भारी वाली भूख नहीं लगती, मतलब आपके बॉडी में दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे में कुछ ना कुछ जाता रहता है, तो आपका जो बोलते हैं ना कि ओवर ईटिंग नहीं होती, तो इस चीज से बच जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सपोज आप डाइट ले रहे हैं और उसके अंदर पांच मील आपने ऐड करी है, आफ्टर आपका जब वेट लॉस हो जाए, तो आपको ये जो फाइव मील वाला जो रूल्स है ना, इसको हमेशा के लिए आप चला के रखिए। ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। जब आप इसको फाइव मील को हमेशा चलाएंगे ना, तो जो आपका वेट लॉस हो चुका होगा ना, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं मेरे कस्टमर को बोलता हूँ, किसी का 20 किलो होता है, 25 किलो, किसी को 15 किलो होता है, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप 15 किलो कर लीजिए, 20 किलो लीजिए, या 40 किलो भी कर लीजिए, आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि 5 मील में रहना है। क्योंकि मेरे पास क्योंकि उस कंडीशन से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं, सर आप मुझे क्या ये गारंटी दे सकते हैं क्या मेरी जो वेट लॉस हो जाएगा उसके बाद टिकेगा? तो मैं उनको वो चीज बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे पास वो 3-4 महीने के ऐसे डाइट प्लान होते हैं जहां पे मैं उनका नॉलेज इतना बढ़ा देता हूं उस डाइट प्लान के कि वो अपना वेट को मतलब टिकाए रखता है। तो वो कैसे टिकाए रखता है, आपको क्या ध्यान रखना है, 5 मिल का प्लान हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। जो आप ये चीजें करते हैं, ये तीन चीजें करते हैं ना, तो आपको कभी भी वो टेंशन नहीं आएगी कि सर इसको हमें कब तक लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वेट लॉस तो करना है लेकिन कुछ चीजों की वजह से हम रुक जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आज बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको एक वो माइंडसेट दे पाऊं, समझा पाऊं चीजों की, कि भाई आप डरिए मत, आप बिंदास चालू कीजिए, लेकिन एक ध्यान रखिए कि मुझे इसका जो मैं अच्छी आदतें ला रहा हूँ मेरे खाने में या फिर मेरे लाइफस्टाइल में, इसको मुझे रिप्लेस में भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मुझे चीज़ें चाहिए। तो जो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी आपके माइंड में वो नहीं आएगी कि यार इसको छोड़े कैसे, क्या करें, आप बिंदास होकर इसको कर पाएंगे। यस, लास्ट में आपको बोलना चाहता हूँ, जो आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।